हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल बगीचा ख्वाहिशों का। मैं बताऊंगी आज फ्रेंड्स आप लोगों को, जो नीम का तेल है, हम लोग जो मार्केट से खरीदते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं अपने पौधों प्लांट में डालने के लिए, वही नीम तेल घर में आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा और वो भी असली, कोई मिलावट नहीं होगी, आप खुद बना सकेंगे। वही मैं आज बताऊंगी आप लोगों को। मैं पहले बना चुकी थी, अब आप लोगों के लिए फिर बना के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ताज़े नीम के पत्ते लेने हैं, एकदम बढ़िया से धो के, आप चाहे तो सुखा ले, मैं सुखाई नहीं हूँ क्योंकि मेरे को इसको जाड़ में पीसना ही है, इसीलिए थोड़े से तो पानी डलाएगा, इसलिए मैं सुखाई नहीं हूँ। फ्रेंड्स ऐसे करके आप आसानी से सारे पत्ते तोड़ ले पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से निकल जाते हैं। एक एक पत्ते ऐसे छुड़ा ले फ्रेंड्स, धोया हुआ है देखिए, साफ़ सुथरे पत्ते ले लें। ऐसे मैंने निकाल लिए हैं सारे, इसका डंडी रखी हूँ मैं, देखिए फ्रेंड्स। ऐसे करके मिक्सी का जो जार होता है उसमें भर ले, चाहे तो आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं या हामुल दस्ता में कूट सकते हैं। ये जो उसके लीफ से जो निकले हैं डंडी, ये मैं फेंकूंगी नहीं फ्रेंड्स, बहुत काम आएंगे, सुखा लूँगी इसको मैं। ऐसे तोड़ के चाहे कई चीज़ से काट के आप लोग इसको टूथपिक बना सकते हैं। जो हम लोग टूथपिक खरीदते हैं बाज़ार से, वो ना खरीद के नीम का पत्ते वाला जो डंडी से निकलता है उसी से करें, आप लोग का दांत भी अच्छे रहेंगे। नीम का पत्ते में तो कितना गुण होता है आप लोग जानते ही होंगे, इसीलिए वो डंडी में फेंकी नहीं। देखिए मैं मिक्सी में पीस ले रही हूँ, आप लोग चाहे तो सिलबट्टे में पीस लीजिएगा या तो हामल दिस्ता होता है उसमें कूट लीजिएगा। मैं मिक्सी में ही पीस ले रही हूँ फ्रेंड्स, अच्छी तरह से पीस ले, थोड़ा पानी मिला लीजिएगा आप लोग, मैं थोड़ा सा पानी मिलाई हूँ इसमें। पीसने का समय थोड़ी सी पानी मिला सकते हैं, आधा कप से कम, क्योंकि पत्तियाँ बहुत सख्त होती हैं नीम का, तो इसीलिए जल्दी वो महीन नहीं होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीस लिया इसको, मिक्सी में पीस लिया है मैंने, देखिए अच्छी तरह से पिसा गए हैं। पत्तियाँ थोड़े टाइट थे इसलिए उतने वो नहीं हुए हैं, एकदम प्लेन नहीं पिसाया है, थोड़ा सा दरदरा रह गया है क्योंकि बहुत वो सख्त पत्ती थे। अब हो सके तो नरम नरम पत्ती ले, लेकिन इसका भी अच्छा बन जाएगा फ्रेंड्स। इसको मैं अब ले जाऊंगी किचन में, कोई पुराने बर्तन में या कोई कढ़ाई में इसको मैं अभी बिठाऊंगी, आगे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। चूल्हे गैस पे जलाऊंगी इसको तेल के साथ। देखिए मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें नाप लिया, एक बाउल जैसा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग माप लीजिएगा, माप के उतना ही तेल देना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा उससे ज़्यादा दे सकते हैं। देखिए मैंने एक बाउल लिया था, नीम का पत्ते मेरे एक बाउल हुए थे, और कोकोनट ऑयल उतना ही लेना है आप लोगों को, जितना पत्ते हुए हैं पिसा हुआ उतना ही कोकोनट ऑयल लेना है आप लोगों को। नारियल का तेल ही मिला सकते हैं, और कोई तेल मत मिलाइए फ्रेंड्स, शुद्ध नारियल का तेल ही मिलाइएगा इसमें। चाहे तो आप लोग जो बड़ा मिक्सी का जार होगा तो उसी में डाल के तेल के सही एक साथ पीस सकते हैं, वैसे भी अच्छा पीस आ जाएगा। गैस को हमेशा फ्रेंड्स कम आँच में ही रखिएगा जब आप इसको बनाएं, हमेशा इसको चलाते रहना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमेशा लो फ्लेम में इसको पकाना पड़ेगा। देखिए इसका कलर आ रहा है, देखिए फ्रेंड्स ऐसे करके हमेशा चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है नीम के जो पत्ते होते हैं वो नीचे सड़ जाएंगे, फिर जल जाएंगे, तो अच्छे से बन नहीं पाएंगे ये।
इसीलिए इसको बिल्कुल छोड़े नहीं। कम आँच में लो फ्लेम में आप लोग धीरे धीरे चलाते रहिए, लो फ्लेम में पकाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा लगभग हो गया है तैयार, हो गया है लगभग। देखिए मैं इसको 9 मिनट तक पकाई हूँ, अभी 9 मिनट हो चुका है, वही 9:30 मिनट में मैंने इसको उतार लूँगी। हो गया है, पक गया है ये, 10:30 मिनट जैसे लगा फ्रेंड्स। लो फ्लेम में पकाई हूँ इसलिए अब मैं गैस बंद कर रही हूँ फ्रेंड्स। गैस बंद करके ऐसे ही छोड़ दूँगी मैं इसको ठंडे होने तक। अब ये ठंडा हो चुका, मैं ले आई हूँ दूसरे रूम में, इसको छान लूँगी, अच्छी तरह से छान लूँगी इसको, हाथ से दबा दबा के सारी जितने इसमें ऑयल है सब इसको निकाल लूँगी फ्रेंड्स। जितने भी इसके गुण हैं सब ये ऑयल में आ गए हैं फ्रेंड्स, जितने कड़वापन है इसके, जो भी इसके नीम का गुण होता है सब ये तेल में आ गया है फ्रेंड्स। अब ये प्लांट में देने के लिए रेडी है। वैसे नहीं डाला जाता है फ्रेंड्स, 1 लीटर पानी में 2 या 3 बूंद मिला के पत्तियों पर स्प्रे करना चाहिए फ्रेंड्स। और मैं बताऊँगी अभी, देखिए ऐसे आप लोग चाप लीजिएगा, चाप चाप के सारे तेल निकाल लीजिएगा उसमें से। अब जितना नीम का कड़वापन था, जितना गुणवत्ता था इसका, सारा कुछ तेल में आ गया है। बालों में जुए हो या डैंड्रफ हो तो इसको आधे घंटे पहले लगा के शैम्पू बाद में कर लेने से बाल एकदम अच्छे हो जाएंगे, डैंड्रफ भी चले जाएंगे फ्रेंड्स। जो नीम ऑयल हम लोग खरीदते हैं पता नहीं उसमें क्या मिलावट रहती है नहीं रहती है, घर में आप बनाएंगे इसमें तो बिल्कुल मिलावट नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल शुद्ध नीम का तेल बन के रेडी है फ्रेंड्स। हम लोग के, आप लोगों के, हम लोगों के प्लांट में जो हम लोग डालते हैं खरीद के, उसमें क्या पता मिलावट रहता होगा। तो 1 लीटर पानी में आप लोग 3 से 4 बूंद डाल के पूरी अच्छी तरह से हिला के प्लांट के पत्तों में स्प्रे कर दें फ्रेंड्स, कोई कीड़े नहीं लगेंगे। अगर कोई कीड़े आएंगे भी तो गंध से चले जाएंगे फ्रेंड्स। हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। देखिए बन गया, अभी जो है ये मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मिट्टी में मिला दूंगी, पूरे अच्छी तरह से सुखा के मिट्टी में मिला दूंगी तो खाद बन जाएगी, या तो रख दूंगी कहीं जल जाए कट जाए तो उसमें काम आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए रेडी है मेरा नीम तेल फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।